सुनो 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 लापता गंजवासियों सुनो, आपके अपने डिलाइट सिनेमा में आज ही लग रही है एक धमाकेदार झन्नाटेदार फिल्म हनीमून एक्सप्रेस, एक पारिवारिक फिल्म। आप अपने अपने परिवार के साथ हनीमून का आनंद ले सकते हैं, मतलब हनीमून एक्सप्रेस सिनेमा का आनंद उठाइए रोजाना 400। चौरसिया, ये कोनो हनुमान जी पर फिल्म बन रही का? अरे नहीं नहीं सुत्तीलाल, कुछ हनीमून एक्सप्रेस कुछ ऐसा कुछ है, लेकिन बढ़िया फिल्म होगी। हनीमून एक्सप्रेस का आनंद उठाइए रोजाना 400। हनीमून एक्सप्रेस, हनीमून एक्सप्रेस। ए जी। ओ जी। सुने का? हाँ, चर 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 लबलबा का रहे हो, चर चर का कर रहे हो? अरे सुन रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन वो तो चर चर नहीं कहा। अरे चर चर की तो आवाज सुन रहे हैं, इसलिए तो साइकिल के पहिया में तेल डाल रहे हैं। तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी, और हमरी तो जैसे लॉटरी निकल गई है। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे आजकल सूरज चढ़ता जा रहा है ना, तुम्हारे दिमाग का पारा भी चढ़ता जा रहा है। अरे कहा है ना इंदुमती, हमारी साइकिल का पहिया बहुत दिनों से आवाज कर रहा है, इसीलिए हमको गुस्सा आ गया। जाओ हमारे लिए तेल पीने को लाओ। खुद को सभी देवता समझते हो का? तेल पियोगे, लेकर आए हा? अरे माँ, कहने का मतलब है चाय लाओ पीने के लिए। हाँ हाँ ला रहे हैं। ए जी। ओ जी। ए जी सुनो ना। हाँ। उखेला वाला देखो ना कहाँ कह के गया, अपने गले का गलियारा बना बना के कह रहा था पूरे परिवार के साथ आके खेला, देखो पारिवारिक खेला है। ए जी। ओ जी। चलो ना देखाते हैं, धार्मिक खेला है। धार्मिक खेला? तुमको पता भी है फिल्म का क्या नाम है? हाँ, तभी तो कह रहे हैं पूजा पाठ वाला है, हनुमान जी का खेला है। का, का, का? हनुमान जी का? अरे खेले का नाम नहीं पता का? हनुमान राक्षस। अरे हनुमान राक्षस नहीं तो? हनीमून कह रहा था और राक्षस नहीं, एक्सप्रेस, हनीमून एक्सप्रेस, समझी? हनुमान एक्सप्रेस, हनीमून एक्सप्रेस, हनीमून एक्सप्रेस। भगवान, ये हनीमून का होता है? देखो इंदुमती, हनीमून का होता है ये हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, पहले ये बताओगी कि सरदर्द का होता है? हाँ। तुम्हें पता है चाय कैसे बनती है? हाँ। तो जाओ पहले चाय बना के लाओ, हमारा सरदर्द से फटा जा रहा है। बना रहे हैं हमेशा हुक्म चलाते हो, घर की नौकरानी समझ लिया हम का, ये भी नहीं समझा कि हनीमून का मतलब क्या है। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई हमारी। क्या बात कर रहे हो मामा? अरे बात तो पिताजी किया करते थे, इसीलिए ना जाने कितने लोग उन्हें पिताजी कहा करते थे। हाँ ऐसे थोड़ा ही। अरे अरे भाई कौन हो तुम जो बीच में घुस के बैठ गए और हमारा अखबार भी छीन कर पढ़ने लगे? अरे अखबार तो पिताजी छीन कर पढ़ा करते थे, लेकिन आज ये पढ़ रहेंगे। चुप रहो सब लोग, ये हमारी दुकान है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठेंगे और जो चाहेंगे वो पढ़ेंगे। क्या ये दुकान तुम्हारी है? इसका मतलब सुत्तीलाल ने दुकान बेच दी और हमें बताया भी नहीं। तभी सुत्तीलाल आज नहीं दिख रहे हैं। अरे लो, अरे सुत्तीलाल। हाँ। ये हम क्या सुन रहे हैं? का? कि तुमने दुकान बेच दी। का बकवास कर रहे हो मामा, हम अपनी दुकान बेचेंगे का? लेकिन ये तो कह रहे हैं दुकान इनकी हैंगी। अरे ये तो पुदीना है। अरे तो इसकी चटनी बनाओ, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं, ये हमारी पत्नी के दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे ससुराल से आए हैं, हमारी पत्नी ने इनकी सिफारिश करके हमारी दुकान पे काम पे लगवाया है। ए, चलो अखबार छोड़ो, चलो गिलास धुलो, आ गए बीच में। ओहो भाई आओ, नव विवाहित। कहा है कि नव विवाहित, अब तो 2 महीने हो गए होंगे। तो क्या 2 महीने में शादी पुरानी हो जाती है? खैर छोड़ो, हम कुवारों के मुंह नहीं लगते। गुड्डू तुम ये क्या कह रहेगे? अरे सही तो कह रहा है गुड्डू, हो तो तुम कुवारे छड़छड़े लौंडे ही ना लीजा। सुत्तीलाल। हाँ। चलो जलेबी दे। अरे गुड्डू, पत्नी सेवा हो रही है? जी हाँ, क्या तुमने कभी नहीं की? भाई पत्नी की सेवा तो पिताजी किया करते थे।
अच्छा भाई ये बताओ गुड्डू, क्या तुम ये जलेबी अपनी पत्नी को अपने हाथों से खिलाओगे? मामा हम अपनी पत्नी को जलेबी अपने हाथों से नहीं तो क्या पड़ोसी के हाथों से खिलाएंगे? अरे पड़ोसी के हाथों से तो जलेबी पिताजी खाया करते थे। खैर छोड़ो भाई, ये बताओ कि तुम ये जलेबी दूध के साथ खिलाओगे अपनी पत्नी को, या दही के साथ खिलाओगे, या सिर्फ जलेबी, खाली जलेबी खिलाओगे? इसका क्या मतलब, हम दूध के साथ जलेबी खिलाएं या दही के साथ? अरे गुड्डू इसका मतलब है भाई, देखो अगर तुम अपनी पत्नी को दूध के साथ जलेबी खिलाओगे तो इसका मतलब तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, और अगर तुम दही के साथ जलेबी खिलाओगे तो मतलब तुम ठीक ठीक प्रेम करते हो बीच का, और अगर तुम खाली जलेबी खिलाओगे तो इसका मतलब तुम ना के बराबर प्रेम करते हो अपनी पत्नी को। क्या बात कर रहे हो मामा? भाई देखो अगर यकीन ना हो तो तुम ये जलेबी दूध के साथ अपनी पत्नी को खिलाओ, फिर देखो तुम्हारे जीवन में प्रेम की बहार छा जाएगी। थैंक यू मामा, थैंक यू, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आज हम दुनिया जी को दूध के साथ जलेबी खिलाएंगे, वो भी डुबो डुबो के। मामा क्या सच में ऐसा होता हैंगे? अरे भाई हमें क्या पता, हमने तो कभी अपनी पत्नी को दूध के साथ जलेबी खिलाई नहीं। भाई आज गुड्डू अपनी पत्नी को दूध के साथ जलेबी खिलाएगा, फिर पता लगेगा कि ऐसा होता है या नहीं। हेलो सुनिए ना, देखिए ना, आज हम अपने हाथों से आपको दूध में डुबोकर जलेबी खिलाएंगे। जलेबी हमारे सिंगट्टे से। देखो गुड्डू जी, आप ना सिर्फ बातों की सिकंदर हो, सकल से तो एकदम ही बंदर हो। हाँ पर दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर, चिड़िया नहीं जो आपकी बातों की जाल में फंस जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है दुनिया डार्लिंग जी, हमने क्या झूठ बोला है आपसे? यही कि आपको हमसे बहुत ही प्रेम है, हमारा बहुत ही ख्याल है, ख्याल हमारे सिंगट्टे से। दुनिया डियर जी हमें आपका बहुत ख्याल है, देखिए तभी तो हम आपके लिए रोज गजरा और जलेबी लेकर आते हैं, और आज तो हम आपके लिए दूध में डुबोकर जलेबी लाए हैं। अरे जाने दीजिए, दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर से आपको इतना सा छिद्दी पर भी प्रेम नहीं है? हाँ ऐसा मत कहिए दुनिया जी, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। हाँ तो और क्या करें, कुमार सानू अलका याग्निक का गाना गाएगा। देखो गुड्डू जी, जब हम कानपुर में थे ना तो हर हफ्ते सिनेमा देखने जाते थे। हाँ और शादी के बाद आप हमको एक को बार भी सिनेमा दिखाने नहीं लेकर गए हो। हाँ बस इतनी सी बात और इतना गुस्सा? दुनिया जी हम आपको सिनेमा दिखाने एक दो रोज में लेके जाएंगे। एक दो रोज हमने सिंगट्टे से? देखो गुड्डू जी, हमको आज के आज शाम का ही सिनेमा देखने जाना है, बता रहे हैं। अगर आपने हमसे ज्यादा रंगबाजी किया ना तो देखना हम आपका बहुत ही बुरा हाल करेंगे, बता रहे हैं। अब जलेबी लेके खड़े रहेंगे का, खिलाएंगे नहीं। दीदी दीदी तुम उदास हो? दीदी हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते। देखो दीदी अगर तुम उदास होगी तो हम भी उदास हो जाएंगे, ऐसे बोलो ना दीदी। छोटू हम उदास इसलिए हैं कि वो नहीं है। वो कौन? वो जो शहर में है। अच्छा तो तुम बिजी पांडे के लिए उदास हो? कोई भी कवाचिल बोल रहा है, हम कहाँ बिजी पांडे के लिए उदास रहेंगे है? अरे क्योंकि वो शहर गया है ना। हाँ उसके लिए उदास नहीं है हम। अच्छा दीदी समझ गए, तुम्हें जीजा की याद सता रही है। हाँ जब देखो बकलेली का पहाड़ खोदता रहता है। छोटू हमें सुरीली की याद आ रही है, वो नहीं है। अरे दीदी पहले तो तुम खुद उसे कुसुम बुआ के यहाँ छोड़ आई, फिर तुम्हें उसकी याद आ रही है तो। हम सोचे थे वो का नाम है उसका, वो जो का नाम है सुरेश और सुरीली एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, लेकिन अब हमें बहुत याद आ रही है, हम माँ है उसकी। अरे इस हिसाब से तो हमें ज्यादा याद आनी चाहिए उसकी। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम तो उसकी माँ हो और हम दो बार मामा हैं, मतलब मामा हैं। दीदी हंस गई ना दीदी? बस दीदी तुम ऐसी हंसती रहा करो तो हमारा मूड सही रहता है। बस दीदी सुरीली और सुरेश एक दूसरे को पसंद कर लें हाँ। तो फटाफट हम उनकी शादी करवा देंगे।
हाँ। और वैसे भी पिजी पांडे आजकल गांव में नहीं है। हाँ। जो आटे में पानी डाले, वैसे आटे में पानी तो पिताजी डाला करते थे। शुरू हो गया है मम्मी का पहाड़ खोदने। हाँ? आज फिर करंट लग गया है का? ए जी, अरे हमने कहा ए जी। ओ जी। तो सरदर्द से फटा जा रहा है, जरा चाय बना के लाओ ना। हम नहीं बनाएंगे, तुमका चाहिए तुम खुद ही बना लो, और अगर बना ही रहे तो हमारे लिए भी बना दो। और आज से घर के सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा चिक को स्कूल भेजना, सारे काम तुम ही करोगे। अरे पगला गई होगा, भला आदमी कभी औरतों के काम करता है का? करता है, करता है, वो तेंदुलकर वो करता है। है? अरे तेंदुलकर तो बैटिंग करता है, कुकिंग अब से करने लग गया। अरे हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे, तो हम मिसेस तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। तुमका पता नहीं? नहीं। दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर बता रही थी कि 31 तारीख से सब टीवी पर सोमवार से गुरुवार मिसेस तेंदुलकर आएगा और घर के सारे काम करेगा, और आज से तुम भी घर के सारे काम करोगे। हाँ। अरे कौन है मिसेस तेंदुलकर जो हम सब मर्दों पे आफत बन के टूट पड़ा है, ये तो देखना पड़ेगा। रात 9:30 बजे मिसेस तेंदुलकर हमका खेला दिखाने नहीं ले गए ना, भुगतो और देखो हमारा गुस्सा। अरे नहीं नहीं इंदुमती, जरूर खेला दिखाने ले जाएंगे, पहले माले चाय बना के लाओ ना, सरदर्द से फटा जा रहा है, जाओ ना बना के लाओ ना। अरे अब झटक कह रही हो, ठीक है बना लाते हैं। जल्दी कीजिए ना। क्या हुआ, इधर तो ताक झाक कर रहे हैं। नहीं नहीं दुनिया जी, हम ताक झाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन आपको ताक रहा है। अरे ताकि हम रेसिंग करते से। अरे दुनिया जी आप समझती नहीं हैं, जब किसी की नई नई वाइफ बाजार में निकलती है ना, तो घूरने वालों की कमी नहीं होती है। अरे हम कोई लाल किला है जो कोई हमको घूरेगा। अरे वाह क्या बात है दुनिया जी, राम राम। हाँ। का हो गुड्डू, का हाल है, एक साल बाद मिले हो क्या? अरे गुस्से में अंगार कहाँ हो रहे हो भाई, हालचाल ही तो पूछ रहे हैं। अरे सुबह ही तो मिले थे सुत्ती की दुकान पर, जब हम जलेबी खरीदने आए थे तब तो नहीं पूछे हालचाल, अब बड़े आए हालचाल पूछने वाले। अरे भैया तब हालचाल पूछना भूल गए थे, इसलिए अब पूछ रहे हैं। अरे वो कत्थे चुने की दुकान, हम बताए दे रहे हैं, हाल भी अच्छे हैं और चाल भी अच्छे हैं, और हम दोनों जा रहे हैं सिनेमा देखने, ठीक है ना? राम राम, चलिए। राम राम। दुनिया जी हम आपसे पहले ही कहे थे कि इतना लाली पाउडर मत लगाइए, रात के मून लाइट में भी आप सन लाइट दिख रही हैं। कुछ प्रॉब्लम है का? नहीं। अरे टेलर मास्टर कैसे हैंगे? हम तो एकदम अच्छे हैंगे गुड्डू की वाइफ जी, आप सज धज के कहाँ जा रही हैंगी? हम बस वो सिनेमा देखने जा रहे हैं, एक नया खेला लगा है, रुकिए जरा, हनीमून एक्सप्रेस वही देखने के लिए जा रहे हैं। और हाँ वो दो ठो ब्लाउज बनवाना है, और हमारा एक साड़ी है उस पर फाल भी लगवाना है। अरे कर देंगे गुड्डू की वाइफ जी, कल घर आके साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा ले जाएंगे। क्यों क्यों घर आके क्यों, हम खुद आएंगे तुम्हारी दुकान पर देकर जाएंगे। दुनिया जी चलिए खेला शुरू हो जाएगा, काहे परेशान हो जा रहे हैं। आइए आइए आइएगा जरूर। हाँ दुनिया जी काहे बैठते हैं? काहे वो काहे बैठे, देख नहीं रही है यहाँ कोई आदमी बैठा है? बैठा है तो हम रेसिंग करते से, हम क्या करें? आप समझ नहीं रहे, चलिए आइए आइए वहाँ बैठते हैं। काहे परेशान कर दिया है। Hey.
भाई पीछे क्या देख रहे हो? पीछे नहीं देख रहे हैं, गर्दन अकड़ गई है, घुमा रहे हैं। हमको सब पता है गर्दन काहे अकड़ गई है, आगे देखो पिक्चर आगे चल रही है। हमारी गर्दन है, हम कहीं भी घुमाए, तुम्हें क्या? अच्छा कहीं भी घुमाए? अरे अरे चुप, अब चुप बैठिए ना, पूरे के पूरे सिनेमा का मजा ही खराब कर रहे हैं। अरे अब देखने, अब चुप रहिए, हम कह रहे ना चुप रहिए बस। और भैया आप काहे बहसबाजी कर रहे हैं हाँ? आपको सिनेमा देखना है तो सिनेमा देखिए, नहीं तो घर जाइए, अपनी इस अकड़ी हुई गर्दन पर अपनी अम्मा से मालिश करवाइए हाँ, नहीं तो ये गर्दन ना टूट भी सकती है, बता रहे हैं हम। चुप रहिए, सिनेमा देखिए, बहुत ही मजेदार गाना है। हम इस सिनेमा देख के कुछ सोच रहे हैं। अच्छा क्या सोच रही हैं? यही, आपने देखा सिनेमा में कैसे लोग शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं? तो कब? क्यों ना हम भी हनीमून पर जाएं हाँ? पहले घर चलने हैं। अच्छा हुआ आप कोई मिल गया नहीं देख ली, वरना कहती उड़न तस्तरी में बैठकर जादू के घर चले अंतरिक्ष में। गुड्डू जी आप ना कुछ भी बोलते हैं हाँ। ओ गुड टाइम, क्या कर रही हो? वही घर के 36 काम। नमस्ते भाभी। हाय नमस्ते गुड्डू। तुम बताओ इतनी पाउडर लिपस्टिक लाली लगा के एकदम ललन टाप लाली पापन के कहाँ से आ रही हो? सिनेमा देखने गए थे। हाय भैया तुम सिनेमा देखने गई थी? हाँ। और गुड्डू तुम कल ले गया? हाँ। क्या बात, यह हमारे पति है, सुबह से कह रहे खेला दिखा लाओ, लेकिन जैसे खेले का नाम लेते हैं झटक जाते हैं। ये तो बताओ खेला था कैसा? अरे एकदम गजब, गुब्बारा हाँ। तुमको पता है उस सिनेमा में कुछ लोगों की नई नई शादी हुई है। हाँ भैया जैसे तुम्हारी हुई है। हाँ और फिर वो सब लोग जाते हैं मिलकर हनीमून मनाने। ए गुड्डू ये हनुबीन कहाँ होता है? भाभी हनुबीन नहीं हनीबीन कर रहे हैं। तुम हमारी सुनो, उसके बाद वो सब लोग एक तो बस में जमा हो जाते हैं और मनाने निकलते हैं हनीमून हाँ। एक तो जोड़ा ऐसा भी होता है जो एक दूसरे से नाराज होता है फिर भी जाता है हनीमून मनाने, और एक तो लड़की होती है जो हनीमून मनाने के लिए मर ही जा रही होती है। हाँ तो ये उम्र गई का मारे अमर सिंह अट्टा से। दुनिया जी चलिए घर चलिए, आपकी वजह से पूरा मेला लग गया है यहाँ पे। मेला अमर सिंह अट्टा से? देखिए गुड्डू जी आप भी ना बहुत ही परेशान रहते हैं हाँ। ओ गुड टाइम, हम बाकी की कहानी तुमको कल सुनाएंगे, तैयार रहना चाय बना के हाँ। चलिए बिस्कुट भी रेडी रखते हैं, हम खाने आएंगे हाँ। दो घंटे से मना रहे हैं, काहे नाराज हो रही हैं? दुनिया डियर जी आने दीजिए ना हमको नियर जी। हमरी सिंह गट्टे से, अरे हमरी शादी को पूरा 2 महीना हो गया है लेकिन अभी तक भी आप हमें हनीमून पर नहीं लेकर गए हैं हाँ। ये क्या, आप तो हनीमून पर जाने की जिद लेकर बैठ गई हैं। अच्छा होता कि हम आपको ये फिल्म ही दिखाने न ले जाते। कि ना तो तुम हमें वो सिनेमा दिखाना चाहते थे और ना ही अब हमें हनीमून पर ले जाना चाहते हो। अरे दुनिया जी हमें तो ढंग से पता भी नहीं है कि ये हनीमून होता क्या है, और बीजी भैया भी यहाँ नहीं है, वरना वही हमारी कुछ सहायता करते। देखो उस बीजी पांडे का तो नाम भी मत लेना, बता रहे हैं, और अगर लेना ना तो 10 फीट दूर जाकर लेना। और देखो अब हम ठान चुके हैं जब तक तुम हमें हनीमून पर लेकर नहीं जाओगे हम तुम्हें अपने पास भी फटकने नहीं देंगे, और पास फटकना तो दूर, हम तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे हाँ। चलो उठो। अरे अरे अरे, अरे दुनिया जी क्या कर रही है? सुनिए तो सुनिए हमरे सिंगट्टे से। देखो गुड्डू जी हनीमून नहीं तो एंट्री भी नहीं। चलिए अरे चलिए अरे अरे चलिए 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 दुनिया जी क्या कर रही है? अब वापस तभी आएगा जब हनीमून पे जाने का मन बनाएगा। सब आ जाइए। अरे सुनिए हे भगवान
कि कहां फंसा दिया हमें। न जाने हनीमून का भूत दुनिया जी के सर से उतरेगा कि नहीं। अगर नहीं उतरा तो हमारा क्या होगा? कहीं ये हनीमून छीन न ले हमारा चैन और सुकून।